हेलो स्टूडेंट्स, क्लास ट्वेल्थ अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 1, यूनिट नंबर 1, अकाउंटिंग इन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, लाभ ना कमाने वाली संस्थाओं में लेखांकन। सम नंबर 3 मैं रीड कर रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। वर्ष 2018 में चंदा में 30,000 रुपये प्राप्त हुए। 2017 के बकाया चंदे के 1,000 रुपये थे। 2019 के चंदे 3,500 रुपये अग्रिम प्राप्त हुए। यह राशि उपर्युक्त 30,000 रुपये में शामिल है। वर्ष 2018 का बकाया रह गया चंदा 1,500 रुपये। बताइए कि चंदे की कितनी राशि वर्ष 2018 के आय व्यय खाते में लिखी जाएगी। इन इंग्लिश, इन द ईयर 2018 रिसीव्ड रुपीज 30,000 फ्रॉम सब्सक्रिप्शंस। Subscriptions of rupees 1,000 were in arrears for the year 2017. Subscription of rupees 3,500 were received in advance for the year 2019. This amount is included in the above mentioned amount rupees 30,000. Subscription of rupees 1,500 are in arrears for the year 2018. Show how much amount of subscription will be transferred to income and expenditure account for the year 2018. Okay, इस सब में मेन थिंग है कि हमें सब्सक्रिप्शन का वो अमाउंट कैलकुलेट करना है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 2018 ईयर में आएगा। हमेशा ये चीज़ कंसिडर करना सब में कि हमें सब्सक्रिप्शन का अमाउंट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में शो करना है या इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, बिकॉज इसमें एक बहुत बड़ा बेसिक डिफरेंस है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में वो अमाउंट इंटर होता है जो हमें कैश फॉर्म में रिसीव हुआ। ओके, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर और प्रीवियस ईयर, किसी भी साल से रिलेटेड हो, कैश रिसीव हुआ दैट मीन्स रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में वो अमाउंट आएगा। बट अगर हम बात करें अबाउट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो इसमें ओनली करंट ईयर से रिलेटेड ही सब्सक्रिप्शन का अमाउंट आएगा, वेदर रिसीव्ड और नॉट। यानी चाहे रिसीव हुआ हो या ना हुआ हो, हम ओनली करंट ईयर का ही अमाउंट इसमें इंक्लूड करेंगे। प्रीवियस ईयर या नेक्स्ट ईयर का कोई भी अमाउंट अगर इंक्लूडेड है तो उसे हमें माइनस करना होगा। ओके, तो 30,000 रुपीज़ हमें बोला है यहाँ पे चंदा प्राप्त हुआ है, यानी सब्सक्रिप्शन का अमाउंट रिसीव हुआ है, जिसमें 1,000 रुपीज़ 2017 का अमाउंट इंक्लूडेड है एंड 3,500 जो है वो 2019 का अमाउंट इसमें इंक्लूडेड है। और 2018 का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है 1,500 रुपीज़ है। तो डेफिनेट थिंग है, इनकम और एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग हमें शो करना है, तो ऑब्वियसली हम नेक्स्ट ईयर एंड पास्ट ईयर के अमाउंट्स को माइनस कर देंगे और करंट ईयर का जो अमाउंट है, चाहे रिसीव हुआ हो या नहीं, उसे हम ऐड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो हम करंट ईयर में कितना अमाउंट मिला वो लिख लेते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर रुपीज 30,000, इसमें हम ऐड करेंगे सबसे पहले करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर 2018, वो अमाउंट है हमारा 1,500 यानी 1,500। 30,000 में 1,500 को हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 31,500 रुपीज़। देन इसमें से हम लेस करेंगे, सबसे पहले हम लेस कर रहे हैं लास्ट ईयर्स आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। लास्ट ईयर यानी 2017 का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुआ है 1,000 रुपीज़, एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस यानी 2019 का सब्सक्रिप्शन जो एडवांस में रिसीव हो गया है दैट इज़ 3,500। तो 3,500 प्लस 1,000 टोटल 4,500 हम माइनस करेंगे सब्सक्रिप्शन के अमाउंट में से। तो 31,500 में से हम 4,500 माइनस करेंगे तो हमारा फाइनल अमाउंट आ जाएगा सब्सक्रिप्शन टू बी रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो अमाउंट आ रहा है हमारा 27,000 रुपीज़। ओके, होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।